जी का जो स्ट्रक्चर है वो समझने की जरूरत है उसमें पेयर्स होते हैं जैसे कि हमारे सामने एक पेयर है व्हील एंड बाइसकल सो देर आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच है रिलेशनशिप इन दो वर्ड्स के दरम्यान में व्हील और बाइसकल के दरम्यान में एक रिलेशन है उसी तरह का सिमिलर रिलेशन हमने नीचे वाली ऑप्शन में से ढूंढना होता है अब नीचे वाली ऑप्शन जो हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि दो दो वर्ड्स मौजूद हैं जैसे कि क्लास एंड स्टूडेंट है कारपेंटर एंड सॉ हैूम है बीड एंड रोजरी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने व्हील एंड बाइसिकल में रिलेशन क्या है तो व्हील एंड बाइसिकल में रिलेशन पार्ट एंड होल का है रिलेशन है, uh, uh, है वो है पार्ट एंड होल जो क्लास और स्टूडेंट है इसमें क्लास इज नॉट पार्ट ऑफ स्टूडेंट इसलिए ये क्रॉस हो गया कार्पेंटर इज नॉट पार्ट ऑफ सॉ ये क्रॉस हो गया जज इज नॉट पार्ट ऑफ कोर्ट रूम लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है जज कोर्ट रूम में प्रेजेंट जरूर होता है लेकिन जज कोर्ट रूम से बाहर भी चला जाता है और जब जज कोर्ट रूम से बाहर होता है तब भी रूम तो रूम ही होता है इसलिए ये पार्शल एनालॉजी है और ये कंप्लीट अनालजी नहीं बन रही बीड इज पार्ट ऑफ रोजरी डेल्टा आंसर है इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन अब आप देख सकते हैं कि वीड इज अ पार्ट ऑफ होल बाईस एज बीड इज पार्ट ऑफ द होल रोजरी आपके सामने रोजरी की शकल आ रही है अच्छा जी अब थ्री स्टेप मेथोडोलॉजी है हमारी इसके जरिए सबसे पहले हमने बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज जैसे व्हील एंड बाइसिकल में हमने एक ब्रिज बनाया कि व्हील इज पार्ट ऑफ बाइसिकल तो ये जो ब्रिज है ये सेंटेंस की सूरत में दैट इज कॉल्ड अ ब्रिज स्ट्रॉन्ग ब्रिज का मतलब ये है कि आप उसको इस अंदाज में ब्रिज uh, बनाएं कि जिसमें एक ही गाड़ी गुजर सके यानी कि एक ही ऑप्शन आंसर हो एक से ज्यादा गाड़ियां भी ना गुजरे यानी एक से ज्यादा ऑप्शन लग रहे हों और ये भी ना हो कि टू नैरो ब्रिज हो कि उसमें से एक आंसर भी ना आ सके स्टेप टू है कि ब्रिज विद ईच आंसर चॉइस यानी हर आंसर चॉइस का भी आप ब्रिज बना के देखें और फिर एडजस्ट द ब्रिज सेंटेंस फिर आप एडजस्ट करके देखें कि वो वो जो सेंटेंस है वो किसके ऊपर फिट बैठ रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिल्ड एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज है इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लें कि शवल एंड डिग है तो इसका जब जब हमने ब्रिज बनाना है तो अ शवल इज यूज टू डिग अब शवल और डिग का जो हमने रिलेशन बनाया वो था कि शवल इज यूज टू डिग डिग इज अ वर्ब शवल इज अ नाउन ये जो पार्ट ऑफ स्पीच की रिकग्निशन uh, है ये भी ब्रिज बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर लेफ्ट पे नाउन है और राइट right पे ब्रिज है वॉब uh, है तो हमारे करेक्ट ऑप्शन में भी इसी तरह से होना चाहिए जैसे कि हम देखते हैं शवल इज यूज टू dig, बैग इज यूज टू बाय तक ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गई लेकिन हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि ये क्या एब्सोल्यूट है स्ट्रॉन्ग ब्रिज है या वीक ब्रिज है बेबी इज यूज टू क्राई पहली बात तो ये है कि बेबी क्राइज बेबी इज नॉट यूज टू क्राई शवल डिग नहीं होता शवल खुद से डिग नहीं करता बेबी खुद से क्राई करता है क्लाउड इज यूज टू रेन क्लाउड भी एक टूल नहीं है अच्छा क्योंकि शवल एक टूल है तो हम अब अगर ब्रिज बन भी रहा हो तो हमने देखना है कि क्या बैग बेबी क्लाउड फॉक और कार में से टूल कौन सा है तो क्लाउड भी टूल नहीं है अच्छा बेबी इज यूज टू क्राई नहीं है इसलिए गलत हो गया और एबसलूट नहीं है हमेशा नहीं है और क्लाउड इज नॉट यूज टू रेन क्लाउड इज द सोर्स ऑफ रेन क्लाउड इज द यू नो स्टोर हाउस विच कॉजेज रेन और उसके बाद तो ये भी नहीं और फोक इज यूज टू ईट डिग एक प्रोसेस है ईट एक प्रोसेस है डिग और ईट एक जैसे प्रोसेस हैं जिनके लिए शवल एंड फोक एज टूल्स यूज होते हैं कार स्टॉप करती जरूर है कार का फंक्शन स्टॉप करना ज़रूर है लेकिन कार का फंक्शन चलना भी है तो ये एब्सोलूट ब्रिज नहीं है और कार टूल भी नहीं है तो ये हमने ब्रिज बना के देख लिया फिर ब्रिज विद ईच आंसर चॉइस अब ईच आंसर चॉइस के साथ जब हमने उसको ब्रिज के हवाले से देखना है तो अब बैग इज यूज टू मतलब हर जो ऑप्शन थी वहाँ पे, उसका एक ब्रिज हमने बनाने की कोशिश की है जिसमें से कि फोक इज यूज टू ईट ही हमारा रेलिवेंट ब्रिज बन रहा है उसके बाद हम तीसरा जो प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि एडजस्ट द ब्रिज सेंटेंस उसको एडजस्ट किस तरह से करना है इफ आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप वन एंड टू यू स्टिल हैव नॉट फाउंड द आंसर फेयर दैट वर्क देन इट मे बी नेसेसरी टू एडजस्ट द ब्रिज सेंटेंस यानी आपने जो ब्रिज बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज करके थोड़ी बहुत मिसाल के तौर पे वहां पे हमने अगर ये कहा हो कि शवल इज यूज टू डिक तो उसमें सारी ऑप्शंस

इस अंदाज में देखा कि वो टूल है तो फिर हमारा वो जो सेंटेंस है वो एडजस्ट हो गया ले जी सेंटेंस uh, एनालॉजी जो है ये एक और टाइप है जैसे पहले एक टाइप हमने देखी उसमें हमने ब्रिज बनाना था और ये एक सेंटेंस एनालॉजी है इसमें भी लैंग्विड इज टू एनर्जेटिक एज माइजरली इज टू डैश इसमें भी लैंग्वेड एक हमारा वर्ड है जैसे एनालॉजी में होता है और इज टू जो है वो यहां पे आप समझ लें कि एक कॉलन के तौर पे आ गया और इज टू एनर्जेटिक एज माइजरली इज टू डैश तो इस वर्ड का इस वर्ड के साथ वही रिलेशन है जैसा कि माइजरली का किसके साथ है तो ये तकरीबन उसी तरह की एनालॉजी है लेकिन ये सेंटेंस में की फॉर्म में आ गई है इसमें अब हम देखते हैं हमने स्ट्रेटजीज जो इख्तियार करनी है वो उससे मिलती जुलती हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस के साथ

उसके बाद जी पेयर एनालॉजी की कुछ और एग्जांपल्स हैं बाक एंड डॉग में आप देखें बाक डॉग का फंक्शन है हुट आउल का फंक्शन है स्किन कवर का फंक्शन नहीं है कवर स्किन का फंक्शन है तो ये अगर एक चीज इधर होती और दूसरी इधर होती फिर आंसर हो सकता था लेकिन फिर भी बाक इज अ फंक्शन इज अ साउंड फंक्शन हूट इज अ साउंड फंक्शन लेकिन कवर और स्किन में साउंड फंक्शन वाला रिलेशन नहीं है इसलिए क्रॉस हो गया नेस्ट एंड बर्ड में फंक्शन नहीं है बल्कि रेजिडेंशियल प्लेस है एग एंड चिकन में भी फंक्शन नहीं है इसलिए हमारा इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो अल्फा है अच्छा जी आप देखें कि कुछ सेट ब्रिजेस हैं वर्कर एंड प्रोडक्ट ये एक ब्रिज है जैसे कि ऑथर वर्कर है और बुक उसकी प्रोडक्ट है एडिटर वर्कर है और न्यूज़पेपर उसकी प्रोडक्ट है आर्किटेक्ट की प्रोडक्ट डिजाइन है फार्मर की प्रोडक्ट क्रॉप है बुचर की प्रोडक्ट मीट है जज की प्रोडक्ट जस्टिस है इसी तरह से ये लेफ्ट पे वर्कर्स हैं और राइट right पे प्रोडक्ट्स हैं अब देखें वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप ये भी सेट रिलेशनशिप कि लेफ्ट पे वर्कर्स आ रहे हैं और राइट right पे उनके टूल्स आ रहे हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है नेचर का लेकिन ओवरऑल यही है उसके बाद है जी टूल एंड एक्शन लेफ्ट पे टूल्स हैं और राइट right पे उनके एक्शन हैं वर्कर एंड वर्किंग प्लेस जैसा कि जज एंड रूम था इसी तरह से टीचर एंड क्लासरूम होता है उसके बाद product and raw material. ये एक सेट, आ, पैटर्न हैं. एंगल की क्वांटिटी रेडियंस है करंट की एम्पेयर है एनर्जी की जाउल है फोर्स की न्यूटन है मैथ की किलोग्राम है पोटेंशियल वॉल्ट पार वॉट प्रेशर पैसकल रेजिस्टेंस ओम टाइम सेकेंड अब इसमें सेकेंड भी हो सकता है मिनट्स भी हो सकता है आर्स भी हो सकता है भी हो सकता है और इसी तरह से वॉल्यूम का लीटर्स और वर्क का जाउल अब ये भी है कि जैसे ये दोनों एक जैसे ही हैं कि एनर्जी का भी जाउल है और वर्क का भी क्वान्टिटी एंड यूनिट लेफ्ट पे क्वान्टिटीज हैं और राइट right पे यूनिट्स हैं स्टडी एंड टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी मैन की स्टडी है एंड सो ऑन एनिमल एंड यंग वंस ये सारे सेट पैटर्न्स हैं जोकि मोस्टली अकल करते हैं सैड जी मेट जी आ रही मुख्तलिफ टेस्ट में मेल एंड फीमेल लेफ्ट पे मेल राइट right पे फीमेल वर्ड एंड सिर वर्ड एंड एंट्रोन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं सिरोनिम्स और एंटोन के वर्ड एंड एंटेंसिटी ये भी बहुत कॉमन uh, टाइप के ब्रिजेस है जो मोस्टली यूज होते हैं जैसे कि लेफ्ट पे जो है वो एक रेगुलर वर्ड है और राइट right पे उसकी फर्दर इंटेंसिटी है थिंग एंड वॉट इट सिम्बलाइजेस कोई एनिमल्स हैं या कोई और थिंग है जो कि उस राइट uh, साइड right पे जो वर्ड आ रहा है उसको सिंबलाइज करती है फॉक्स को करती है कैमल मैले को करता है डव पीस को लेपर्ड स्विफ्टनेस को मोस्टली इसमें एनिमल्स हैं लेकिन और भी चीजें हो सकती हैं थिंग्स एंड इट्स ओरिजन मिनरल अर्थ से निकलता है ऑयल अच्छा इसमें थोड़ा सा ये है कि थिंग एंड इट्स ओरिजन में यहाँ पे मिनरल है इसको थोड़ा सा इस साइड पे होना चाहिए अर्थ को इस साइड पे होना चाहिए अगर इसी तरतीब से हम देखें बिकॉज मिनरल अर्थ से निकलती है ऑयल सीड से शुगर शुगर केन से लेकिन ये अच्छा इसमें हम थोड़ा तरतीब को आप देख लें यहाँ पे मिनरल अर्थ से निकल रहा है अर्थ इज द सोर्स यहाँ पे भी ये ये दोनों एक टाइप की चीजें हैं तो वन एंड फोर में जरा तरतीब डिफरेंट है बाकी सब में तरतीब सिमिलर है अच्छा जी उसके बाद एन एक्शन एंड इट्स लॉजिकल कंक्लूजन इवेंट मेमोरी एक्सप्लोजन डिब्री तो ये जो राइट right पे आ रहे हैं ये कंक्लूजन हैं जो लेफ्ट पे हैं ये एक्शन हैं सो हैपनिंग लेफ्ट पे हैं और उनके कंक्लूजन राइट right पे हैं थिंग एंड इट्स फंक्शन लेफ्ट पे थिंग्स हैं और राइट right पे फंक्शन हैं थिंग एंड इट्स मैनर या एक्शन एंड इट्स मैनर आप कह सकते हैं थिंग और एक्शन सो ये लेफ्ट पे एक्शन हैं और राइट right पे उनके मैनर्स हैं लेकिन थिंग भी हो सकती है थिंग और एक्शन लेफ्ट right पे थिंग और एक्शन और राइट पे मैनर्स अच्छा जी अब देखिए देर आर समलॉजी पेयर इन विच वन वर्ड इज यूज टू डिफाइन द अदर वर्ड डेफिनेशन वाली भी कुछ सेट पैटर्न एनालोजी है जैसे माउंट एंड अर्थ सैंड एंड ड्यून ड्रिफ्ट एंड स्नो अर्थ की एक जो बाई डेफिनेशन द रेज ऑफ स्नो इज कॉल्ड ड्रिफ्ट इसी तरह से बाई डेफिनेशन आ माउंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड माउंट आ ड्यून ज ऑफ सैंड्रिफ्ट इज ऑफ स्नो मेडअप ऑफ स्नो एनाल रिलेशनशिप ये कुछ हमने टाइप्स ऑफ एनालोजी रिलेशनशिप्स आपके सामने लिखती है इनमें आप देखें ये जो एंट्री है सिनोनिम की उसकी एग्जाम्पल यहां पर लिख दी है कि लकी एंड फॉर्चुनेटली आपस में सिरोनिम्स है और सिनोनिम वेरियंट जैसे वर्बोज एंड वर्टीनस है तो वर्बोसिटी और वर्डीनस अगर होता तो ये प्योर सिरोनिम्स होते अब ये वर्बोस एंड वर्डीनेस है तो ये सिलोनम वेरियंट है यानी कि इन दोनों के हैं तो ये सिनोनिम्स लेकिन ये इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट हैं इसमें सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं लेकिन ये जो हैं इनमें सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते वो बोस एंड में सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होंगे उसके बाद जी एंटोनम है एंटोनम वेरिएंट है इसी तरह से और बाकी आपके सामने है पार्ट टू होल जैसे स्टेंडर पार्ट टू पोएम कैटेगरी एंड टाइप इज अ टाइप और काइंड ऑफ उसके बाद थिंग एंड इट्स फंक्शन है रूलर एंड मैयर अब जरा थोड़ा सा डूअल मीनिंग वाले वर्ड से आपने फेमिलियर थोड़ा मोहतात रहना है रूलर ये हुक्मरान नहीं है बल्कि ये जो रूलर जो कि एक जोमेट्रिकल टूल है उसके लिए यूज़ हो रहा है परफॉर्मेंस टू रिलेटेड एक्शन जैसे शेफ का रिलेटेड एक्शन कुक है कॉज एंड इफेक्ट टोर्नेडो का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रक्शन है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी जैसे कि इरिटेट और एनरेज इरिटेट थोड़ा सा गुस्सा दिलाना और एनरेज ज़्यादा गुस्सा दिलाना सिंबल एंड प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन जैसे डव पीस को रिप्रेजेंट करती है ये पीछे भी डिस्कस हुई है और डेफिनेशन जैसे रिफ्यूज और शेल्टर अच्छा जी एनालॉजी रिलेशनशिप्स आगे कंटिन्यू कर रही हैं ये भी आप देख लीजिए उसी तरह से ये आगे कंटिन्यू कर रही हैं उसके बाद ये ट्वेंटी नाइन टू थर्टी हैं अच्छा ये एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हमारे जो फंगेट के टेस्ट होंगे उनमें आपको बताऊं कि क्वेश्चन जो टेस्ट होंगे उनमें ये जो उनमेंशन है ये 1 to 30 हैं, जो कि आपके सामने डिस्कस हो गए हैं। जो टेन है और जो फंगेट का टेस्ट नंबर टू है वो इलेवन टू ट्वेंटी पे बेस्ड होगा और फंगेट का टेस्ट नंबर थ्री जो है वो ट्वेंटी वन थिंग लैक से लेकर थर्टी तक थिंग एंड एड स्टडी पे बेस्ड होगा तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें कि हमने एनालॉजी की कुछ टेक्निक्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि एनालोजी बेसिकली अगर दो मिनट में हम इसको रिकैप करें तो वो ये है कि एनालोजी बेसिकली तो आपका वोकैबरी का टेस्ट कहा जा सकता है लेकिन इसमें सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है समटाइम्स ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिन वर्ड्स में वर्ड के मीनिंग्स आने के बावजूद आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते अगर आप कॉमन सेंस का प्रॉपर इस्तेमाल ना करें या अगर आप जो टेक्निक्स आपसे शेयर की गई हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल ना करें तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉमन सेंस आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और आपकी वकेबली का टेस्ट है एनालि uh, के लिए प्रिपेयर करने के लिए नेट से अगर हेल्प लेना चाहें तो उसमें सेट की वर्ल्ड लिस्ट जो है नेट से भी अवेलेबल है आप हाई फ्रीकुन्सी वर्ल्ड लिस्ट अगर लिखेंगे तो वो आपको मुख्तलफ सोर्सेज से मिल जाएगी